एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ सारी ट्रिपिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी आपको मैं बताऊंगी, जो मतलब सीधा पल्लू से जो साड़ी होते हैं उसको आप इजीली कैसे ड्रेप कर सकते हैं। तो मतलब जो मैं अभी फर्स्ट टाइम पर ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ, क्योंकि सीधे पल्ला से मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, मतलब पहनती ही नहीं हूँ, बाई चांस कभी कभार मैं पहननी होंगी। तो यहाँ पर जैसे आपको आप नॉर्मल साड़ी पहनते हैं वैसी आपको मैं पहनने के लिए और इजी तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को टक कर लिया है। टक करने के बाद में मैं अपना अभी प्लेट बनाऊंगी साड़ी का। तो इजीली आप जैसे साड़ी का प्लेट बनाते हैं वैसे आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद में यहाँ पे अपने जो साड़ी है उसका प्लेट को ठीक कर लीजिएगा। और भी दूसरी साड़ी होती है तो उसमें तो इजी रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, बट ये थोड़ा सा सिल्क के साड़ी में आप लोग को सीधा मतलब पल्ला से कैसे पहनते हैं वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने साड़ी को जो प्लेट है उसको ठीक करके और उसको टक कर लिया। टक करने के बाद में आपको यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो हमारा प्लेट है उसको पकड़ के और जो एक्स्ट्रा हमारा साड़ी है उसको ऐसे करके और जो आपका लेफ़्ट हैंड है उस पर आपको रखना है, ठीक है? तो लेफ़्ट हैंड पे रखने के बाद में अभी इसके बाद आप यहाँ पे प्लेट बनाइएगा। तो यहाँ पे अभी आप नॉर्मली जैसे प्लेट बनाते हैं उस वैसे आपको प्लेट बनाना है, जैसे कि आप नॉर्मल साड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं वो साड़ी को मैंने अभी यहाँ पर जो हमने अपने रखा था उस पर तो उसको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद में उसमें मैं अभी प्लेट बना लूँगी। तो अपना जो प्लेट आप बनाइएगा अपने हिसाब से पतला या थोड़ा कर सकते हैं, जो आपने कंधे को ऊपर रखी थी। मैं तो साड़ी को मैंने यहाँ पे प्लेट बना लिया। प्लेट बनाने के बाद में इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, और सेट करने के बाद में इसको अपने कंधे को ऊपर रख लीजिएगा और इसको अच्छे से आपको प्लेट जो आप बनाइएगा ना इसको अच्छे से यहाँ पे रख लीजिएगा। नहीं, रखने के बाद में पहले आपको टक करना है। टक अगर आप टक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा प्लेट है वो मतलब अप डाउन हो जाएगा, जो हमारा प्लेट का मतलब कि वो फिर से आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टक करना है। टक करने के बाद में यहाँ पे अपना टक कर लीजिएगा। टक करने के बाद में फिर हमारा जो प्लेट है उसको हमको सेट करना है, ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ इजी तरीका आपको। तो इसको आप कैसे आप मतलब जो सिल्क की साड़ी होती है उसको आप कैसे मतलब बिल्कुल फिट कर सकते हैं अपने, तो क्या आता है कि वो थोड़ा सा फुला फुला रहता है। तो यहाँ पे अभी आप उसको प्लेट बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना आँचल और ये जो हमारा साइड का जो प्लेट होता है उसको दोनों को सेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे प्लेट को सेट करने के बाद में इसको रोल किया। रोल करने के बाद में थोड़ा सा आपको इसको दबाना है, ठीक है? हाथों से अपना इसको दबाइएगा प्रेस करते हुए, और फिर हमारा ये साड़ी क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से हमारा प्लेट है ना जो सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में यहाँ पे जो हमारा साइड प्लेट है, जो कि इससे साइड में हम क्या करेंगे, जो साइड का हमारा पल्लू है उसी में हम इसको टक कर लेंगे। टक करने से क्या होगा कि जो सिल्क का साड़ी होता है ना, क्या वो कि साइड में मतलब कि बिल्कुल आपका जो पल्लू, जो हमारा पल्लू है, हमने पल्लू बनाया है, वो बिल्कुल यहाँ पे साइड में आ जाएगा। और फिर क्योंकि दूसरी साड़ी होती है तो फिर थोड़ा सा ऐसे आप टक भी कर सकते हो, बट ये सिल्क की साड़ी है तो इसमें आपको यहाँ पर पिन से टक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसके बाद ये मैंने प्लेट को ठीक करने के बाद में पिन लगा लिया। फिर इसके बाद जो हमारा साड़ी का प्लेट है उसको ठीक करेंगे, ठीक है? ये जो मैंने पल्लू का प्लेट ठीक किया, फिर इसके बाद साड़ी का जो हमारा प्लेट है उसको ठीक करना है। तो उसको भी आप वैसे ही सेम तरीके से आप इसको भी करिएगा। इसको सारे प्लेट को ठीक करना है, फिर इसके बाद इसको रोल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा हाथों से अपने दबा के और इसको रोल कर लीजिएगा। इससे हमारा जो साड़ी का प्लेट होता है ना बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा इसको आप हाथों से अपने दबा के और ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा सा सिल्क की साड़ी पहनना मुश्किल होता है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से हम पहन लिए हैं यहाँ पे साड़ी। तो ऑलमोस्ट हमारा साड़ी डन हो गया है। तो इसके बाद थोड़ी बहुत इसमें आपको बताते हैं, और ये आप ऐसे पहनेंगे तो थोड़ा सा आपका जो पीछे रहेगा उससे आप इजीली अपने अगर सर पे रखना होता है तो पूजा वगैरह होता है तो उसमें आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये आपको दो जो हमारा प्लेट है उसको अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 प्लेट को एक साथ मतलब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका ये पूरा ऐसे फैला रहे थे। यहाँ पर मैंने 2 प्लेट को करके और नीचे से यहाँ पर 1 प्लेट मैंने पकड़ लिया जो हमारा साड़ी का है, और साइड से जो हमारा अपर का बॉर्डर है, जो साड़ी का बॉर्डर है उसको हटाते हुए, और यहाँ पे आपको पिन से थोड़ा सा टक कर लेना है
क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि जो हमारा प्लेट है बिल्कुल आपका मतलब ऐसे मतलब फैला नहीं रहेगा और बिल्कुल आपको साड़ी के साथ ही रहेगा और काफ़ी खूबसूरत और अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने जैसे नॉर्मल साड़ी पहनते हैं उसी तरीके से सिल्क की साड़ी को हमने पहन लिया है सीधा पल्ला से। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक, और ईजिली आप इसको अपने सर के ऊपर रख सकते हैं। इसमें पल्लू मैंने इतना छोड़ा है कि इजीली आप इसको ऐसे भी मतलब कि पहनना चाहें तो रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको सर पे रखना हो तो भी रख सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले जन्माष्टमी के पहले ही ये शूट किया था, बट क्या था कि मैंने इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं किया था मैंने। तो ये हमारा था फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा तो कि ये मैंने साड़ी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ऐसे सीधा पल्ला में, तो मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साड़ी पहन लिया है, और इसके बाद पल्लू भी सर पे आप इजीली रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख के भी आप लोग को दिखा दी हूँ। अब ये वीडियो है जो कि यहीं पे एंड कर देंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।